गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र सिंह एसआईसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 11वीं के लिए आज ये तीसरा भाग का वीडियो होगा। तीसरे भाग में आप अध्ययन करेंगे प्राचीन युग गद्य का। इससे पूर्व आपको गद्य क्या है, गद्य और पद्य में अंतर क्या है आदि इन सब के बारे में अपने अध्ययन किया है। तो आज आप अध्ययन करेंगे प्राचीन युगीन गद्य। प्राचीन नाम ही है प्राचीन युगीन गद्य। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जब हिंदी गद्य का उद्भव हुआ तब से लेकर और भारतीय युग के पूर्व तक का जो हिंदी का इतिहास रहा है उसका आप इसमें अध्ययन करेंगे। हिंदी गद्य का आरंभ माना जाता है कि रोड़ाग्रिप राउल बेल ये 10वीं शताब्दी में उन्होंने लिखा। 10वीं शताब्दी में राउल बेल जो एक गद्य, इससे पहले पद्य था, तो गद्य में भी उन्होंने ऐसे राउल बेल को पहले पद्य में लिखा गया था, लेकिन उसके बाद में इसे गद्य का रूपांतरण किया गया ऐसा माना जाता है। अब क्या है कि राउल नाम की नायिका है, उसका नक्षिक का सौंदर्य वर्णन इस कृति में इन्होंने रोड़ा ने किया है जो 10वीं शताब्दी में इसका वर्णन मिलता है। उसके बाद दामोदर उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो 12वीं शताब्दी में है, 10वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी 2 शताब्दी का अंतर है। इस बीच में भी कुछ स्फुट रचनाएं भी टीकाएं वार्ताएं दान पत्रों परवानों टीकाओं इन पर राजस्थानी में गद्य लेख लिखा करते थे और इसमें उस तरह का उल्लेख मिलता है। इसमें अब दामोदर की तरह व्यक्ति प्रकरण ये 12वीं शताब्दी में जो लिखा। इसके बाद एक मैथिली का है, जैसे कि आप पहले आप सुने होंगे कि हिंदी गद्य का जो आरंभ है वो राजस्थानी गद्य के रूप में माना जाता है। राजस्थानी ब्रजी ब्रजभाषा और मैथिली इन तीन भाषाओं में ही प्राचीन गद्य देखने को मिलता है, जिसमें सबसे अधिक महत्ता राजस्थानी गद्य को दिया जाता है। और ये माना जाता है कि राजस्थानी जो गद्य है वो सबसे प्राचीन। यहाँ ये तो करते हैं ज्योतिश्वर कृष्ण वर्ण रत्नाकर, ये 14वीं शताब्दी में इनका उल्लेख मिलता है। और ऐसे तो इनके गद्य में जो गद्य उस समय की जो प्राचीन युगीन जो गद्य है इसमें राजस्थानी गद्य अधिकांश आराधना सुंदरी कथा इनकी ये इस समय के प्रमुख ये जो साहित्य है इसमें राजस्थानी गद्य भी मिलते हैं। इसके साथ ही साथ ये हरिपुरी की जो प्रमाणिक रचना है इससे पहले जो रचनाएं हुई है जैसा कि हमने ये सब बताया और इसके बाद इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी रचना हुई है। इसमें विद्वानों में काफी मतांतर है, मतभेद है, लेकिन प्रमाणिक रचना मानी जाती है 17वीं शताब्दी से। हरिपुरी की प्रमाणिक रचना है 17वीं शताब्दी से माना है। अब 17वीं शताब्दी में इसे 1623 में जटमल कृत गोरा बादल की कथा आपने काव्य सुना होगा, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण चंदन भी मिट्टी है राजस्थान। तो उन्हीं गोरा और बादल का कथा का वर्णन है इसमें। तो गोरा बादल की कथा जो है इसमें 1623 में जटमल ने लिखा। तो इस प्रकार से ये भी उससे पहले बहुत पूर्व की रचनाएं। और खड़ी बोली, मूलतः खड़ी बोली है क्या? खड़ी बोली, खड़ी जो शब्द है खरी से बना, खरी मतलब खरा। अब खरा से तात्पर्य खारापन से है। ऐसे ब्रज भाषा में जो रचना हुई, ब्रज जो बोली है तो ब्रज की बोली थोड़ा कर्णप्रिय है, मैथिली जो है कर्णप्रिय है, इनकी आवाज आपको अच्छी लगती है। लेकिन जो खड़ी बोली है लश्करों की भाषा, लश्कर जो मेरठ और दिल्ली के आसपास जो बोली बोली जाती थी थोड़ा उसमें रूखापन होता था, उस वाणी में कटुता थी, सुनने में थोड़ा कर्कश लगती थी, इसलिए उसको खरी नाम दिया। मतलब ये अटपटा लगता है, ये बोली जो है खरी खरी लगती है और खरी से ही खरी बन गई। अब इसमें हिंदी जो खरी बोली के जो पहले नायक थे, प्रारंभिक नायक, एक क्लास नाइन टेन में भी आपने अध्ययन किया होगा,
हरिपुरी के प्रारंभिक नायक है मुंशी सिद्धार्थ लाल, मुंशी इंसा अल्लाह खां, पंडित लल्लू लाल और सदल मिश्र। इन लोगों ने जैसे मुंशी सिद्धार्थ लाल ने सागर, मुंशी इंसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी और पंडित लल्लू लाल हास के उपाख्यान और सदल मिश्र प्रेम सागर, इन लोगों ने इसका अपना अपना ग्रंथ लिखा जो हिंदी गद्य में ही लिखा। इस प्रकार से हिंदी गद्य का इन्होंने काफी संवर्धन किया, विकसित किया। इसके अतिरिक्त अभी ये इनको हिंदी गद्य का उन्नायक कहा जा सकता है। हिंदी गद्य का ये उन्नायक थे, जो चारों जो लेखक हैं ये इनको मूलतः मूल स्रोत माना जाता है, यही से हिंदी व्याकरण से गद्य का आरंभ होता है। ऐसे आरंभ को हमने आपको बताया कि पहले से ही इस तरह से हुआ है, लेकिन मूलतः यहाँ से प्रमाणिक रचनाएं मिलना जब शुरू हो गई तो इसीलिए इनको हिंदी गद्य का उन्नायक माना जाता है, क्योंकि हिंदी गद्य के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारा योगदान दिया था। और इसके बाद भी तमाम हमारे देश में कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन बड़ी तेजी के साथ हुआ, जिसके कारण उस समय पुनर्जागरण का एक शब्द आया है, पुनर्जागरण मतलब पुनः जागृति आई सामाजिक स्तर पे, सांस्कृतिक स्तर पे, हर दृष्टि से यहाँ पर एक जागृति आ गई। और ऐसे समय में एक महान साहित्यकार का जन्म होता है 1850 में आकर भारतेंदु हरिश्चंद्र का, तो यही से भारतेंदु युग का आरंभ होता है। अब भारतेंदु युग यहाँ भारतेंदु पूर्व युग की बात है, प्राचीन युग की का वर्णन हमने यहाँ पर किया है, और प्राचीन युग का आपने अध्ययन किया इसे, और इसके बाद आप पढ़ेंगे जब भारतेंदु युगीन गद्य, इससे पहले भारतेंदु युग के पूर्व भारतेंदु युगीन गद्य नहीं बल्कि प्राचीन युगीन गद्य अर्थात भारतेंदु युग के पूर्व के गद्य का अध्ययन आपने किया। आज आप अध्ययन करेंगे भारतेंदु युगीन गद्य अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद का जब आगमन हुआ उनका एक समय सीमा रहा है 1850 में उनका जन्म होता है और 1865 से बिल्कुल साहित्य नक्षत्र में ये बिल्कुल छा जाते हैं। ऐसा माना जाता है इनके विषय में ऐसा एक वदंती है, ऐसा कहा सुना, ऐसा माना गया है कि जब ये 5 वर्ष के थे तभी इन्होंने काव्य सृजन करके काव्य रचना करके अपने पिताजी को आश्रय में डाल दिया था। पिता ने इनको महान कवि होने का आशीर्वाद दिया था और वो पिता का आशीर्वाद फलीभूत हुआ भी और इन्होंने बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति होकर के साहित्य क्षेत्र में बिल्कुल छा गए। इसीलिए इनके एक नाम विशेष पर के भारतेंदु युग नाम चल पड़ा। आइए भारतेंदु जी का अध्ययन करते हैं। इनके पहले शिव प्रसाद सितारे थे और राजा लक्ष्मण थे, दो राजा महाराजा उस समय के रहे हैं, राजा रईस नवाब बड़े राजा रहे हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हैं और राजा लक्ष्मण सिंह। इन लोगों ने भी हिंदी को गद्य रूप में प्रदान करने का एक गद्य रूप देने का कोशिश किया था, इन्होंने अपनी रचनाएं गद्य में किया था। राजा शिव प्रसाद सितारे 1823 से 1895 तक इनका जो समय है समय सीमा ऐसा रहा है, तो इन्होंने हिंदी को सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो इन्होंने ये किया था कि ये पाठशालाओं में हिंदी जो विषय जैसे आप ही पढ़ रहे हैं और आपके पाठ्यक्रम में हिंदी न हो तो फिर आपको कौन हिंदी पढ़ाएगा, पाठ्यक्रम में हिंदी नहीं रहेगा तो आप हिंदी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया और वो कार्य इन्होंने ये किया कि हिंदी को सबसे पहले इन्होंने पाठ्यक्रम में स्थान दिया है, पाठशालाओं में हिंदी अनिवार्य हो, पाठशालाओं में इसको पढ़ाया जाए, ऐसा इन्होंने ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया। लेकिन इनके ऊपर एक तरह से उर्दू का भी भूत सवार था, इसलिए हिंदी को भी एक नफीस मान करके और उसको एक नए रूप में हिंदी प्रस्तुत करना चाहते थे। उर्दू बाहुल्य शब्दों का उसमें प्रयोग था इसमें और उर्दू शब्दावली के इसमें समावेश अधिक था। लेकिन इनके विपरीत विचारधारा वाले थे ये बिल्कुल संस्कृत निष्ठ हिंदी, बिल्कुल जो हिंदी थी हिंदी भाषा वो परिनिष्ठित हो, बिल्कुल साफ सुथरी हो और साफ सुथरी नहीं बल्कि संस्कृत निष्ठ हो, ऐसी हिंदी ये मानते थे। वैचारिक बिल्कुल संस्कृत निष्ठ मानते थे और एक उर्दू फारसी का समावेश हिंदी
मूवी नफीस बना करके उर्दू की बहुलता उसमें आरोपित किया था। लेकिन इन दोनों राजाओं को लक्ष्मण सिंह इनको इनको अतिरिक्त इनको इनकी जो भाषा थी इसको इनका भी उन्होंने अध्ययन किया और इन्होंने उस इस हिंदी भाषा को इस तरह से आगे बढ़ाया जिस जो जन सामान्य की भाषा बन गई। अब इन्होंने न तो उर्दू शब्द को लिया अधिक और न ही संस्कृत निश्चय शब्दों को, बल्कि इन्होंने उर्दू को भी लिया और संस्कृत को भी लिया और दोनों को मिला कर इन्होंने ऐसी भाषा को आगे बढ़ाया जो जन सामान्य की भाषा बन गई और जो ग्राह्य करने योग्य थी। जन सामान्य तो वही भाषा बोलेंगे जो संग्रहण की क्षमता इसमें हो, जो आसानी से समझ में आए। जैसे कि इन्होंने लिखा कि निज भाषा उन्नति है सब भाषा के मूल, अभी निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं है कैसे। तो अपनी भाषा का इन्होंने विकास किया, अपनी भाषा का इन्होंने आगे बढ़ाया और इन क्योंकि ये गले उदार थे, इतने बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारतीय क्रिश्चियन जी कि इनके उदारता के कारण इनके मित्रों की संख्या और बढ़ती गई, साहित्यकारों की संख्या, इनके इन्होंने स्वयं लेखन मंडलियों का गठन किया और लेखन मंडली में प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण शर्मा नवीन और बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, ऐसे बहुत सारे साहित्यकार इसमें जुटते गए और एक लेखन मंडली बन गई और वो हिंदी खड़ी बोली का सबने अलग अलग हिंदी खड़ी भाषा खड़ी बोली में ही इन्होंने कार्य किया, हिंदी गद्य को ही आगे बढ़ाने का कार्य किया। जैसे कुछ पत्रिकाओं का भी नाम उन्हें दिया है, प्रताप नारायण मिश्र ने ये ब्राह्मण पत्रिका कालभूषण छपाई करते थे, तो ऐसे इस समय के इस समकाल में जो इस समय में इनके जो साहित्यकार रहे इस समय के, इनके सहयोगी लोगों ने भी इनका बहुत ही सहयोग किया, इन्हीं का सहयोग नहीं किया बल्कि हिंदी साहित्य को समृद्ध करने, इनको हिंदी खड़ी बोली को आगे बढ़ाने का विशेष योगदान रहा। और भारतीय जी का विशेष करके यह है कि इनको ही पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। कारण यह है कि हमने इसे पूर्व वीडियो में आपको बताया कि पुनर्जागरण क्या कहलाता है, पुनर्जागरण किसे कहते हैं और इनके अंदर जो नवीन उल्लास, नवीन पूर्ति, हर प्रकार की नई नई विचारधाराओं का इनके अंदर जो समावेश था उसको इन्होंने उजागर किया, आगे बढ़ाने का कार्य किया और इस प्रकार से हिंदी साहित्य को इन्होंने समृद्ध किया। इसके बाद का जो युग होगा या भारतीय युग के बाद ये द्विवेदी युग होगा, द्विवेदी युग का अध्ययन हम अगले वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक यू।